दस पांच दो चार खड़े ना हो, एक आध खड़े होने का वो अलग सन थोड़ी है। हाँ दो चार खड़े हो तब टक्कर की पता पड़ा है कितनी पब्लिक कैसे चाहते कैसे नहीं चाहते। तो पैसा वैसा भी खर्च हो रहा है? नहीं अभी कुछ नहीं है। हम तो काई का पानी पी में ना, मैं तो किसी का पानी पीता नहीं हूँ। आपका थोड़ी कह रहे हैं, हम का काई जेब है थोड़ी देखे है कोई खर्च कर रहा हो या ना कर रहा। अब ये गाड़ी चल रही है तो पैसा तो खर्च हो ही रहे इनके भाई, पैसा तो खर्च हो ही रहे जो गाड़ी चल रही है तो पैसा बिगर पैसा तो कुछ भी ना। रोटी पानी भी पब्लिक का खवा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं है जी। तो भैया बाबूजी पैसा तो खर्च सब। अच्छा एक बात बताओ, हरियाणा में इस बार सरकार बीजेपी की आवेगी बदल जाएगी ना, ना, लोगों ना, के दिमाग में क्या? ये तो हकीकत है। मान लो हमारे यहाँ से 3 सीट बीजेपी ले भी गई फिर भी कोई फर्क ना पड़ा कांग्रेस की। मैं भी रोजाना आपके उससे सुनूं और समाचार ने मैं, अरे मैं क्या बताऊं कि कांग्रेस आ रही बिल्कुल ना। मैं आपके आपके लेक्चर ने सुनूं जहां जहां भी आप जाओ, मैं 3-3 बजे 4-4 बजे तक टीवी चलता हूं मैं रात को। तो आपको टीवी देख के लग रहा है या और लोगों से बातचीत करके लग रहा है? जो आपसे बात करें इधर हरियाणा में, यहाँ कितना हरियाणा, हरियाणा सब पल्ली तरफ ही है, गढ़ तो वहीं है। भाई सगरा महल हाँ वो दिखाया है, महल भी देवी की तस्वीर तस्वीर वो सब उसमें है। अच्छा गोपाल कांडा वाला आपने दिखाया था, गोपाल कांडा का महल यार आपके सामने ही है दोनों? हाँ वो मैं सामने आपने दिखाया था। अरे बहुत शुक्रिया। झज्जर में है वो, झज्जर में ही तो है जहाँ वो तस्वीर दिखाई। सिरसा? हाँ सिरसा। तो आपको ऐसा देखने में लग रहा कि यहाँ बीजेपी की सीटें, वैसे तो फरीदाबाद में बीजेपी ज्यादा जीतती है, 19 में भी जीती थी ज्यादा सीटें। मैं आपको बता रहा हूँ अगर 3 सीट यहाँ से ले भी ली ना है जी तो बीजेपी फिर भी नाकामयाब है, क्योंकि सकरागढ़ तो पल्ली तरफ है यहाँ कहाँ है, ये तो एक जिले के गुड़गामा सिंगल जिला है जी। कितनी भी ना हो नॉन में से 3 लेगी तो 6 तो फिर भी बचेगी, छह तो आप बताओ आपको क्या लग रहा जी? देखो अभी कह नहीं सकते, वैसे कांग्रेस का थोड़ा सा है, तुम है बताते हैं इस सीट पे टिकामवाड़ी सीट पे कांग्रेस का, क्यों दोनों आपस में तीनों है ना गुजर, इनमें थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, लोगों का जो झुकाव है ना वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। तो आप सब लोग भी गुजर है? जाटा। अच्छा ये जाटव समाज मायावती को कैसे देख रहा? चलिए नहीं मायावती को बहुत दे दी वोट, यहाँ कभी होता ही नहीं कुछ नहीं होता। ओहो अभी मेरी नजर पड़ी तो भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूर्ति स्थापना यही हुई है जी। तब तो मैं गांव में ही हुई थी। अब मैं जब आप लोगों ने कहा हम लोग जाटव समाज से तब मेरी नजर पीछे गई, तो जाटो हाँ मायावती के बारे में उनके जो भतीजे आकाश आनंद वो चुनाव में उतर गया हरियाणा में, कह रहे हैं जो इनेलो से गठबंधन किया उसका कुछ असर, क्योंकि एक समय में हरियाणा में भी बहुत अच्छा बीएसपी का जनाधार था। ऐसा ना जाटव समाज अब समझ चुका जी, क्योंकि अगर हम मायावती को वोट देते हैं तो कोई फायदा तो होता नहीं, वो कांग्रेस के विपक्ष में जाती है बीजेपी बनेगी, हमारी जो वोट है ज़्यादातर दलितों की कांग्रेस को जाएगी या तो मायावती को जाएगी, जब मायावती के चांसेस नहीं है तो कांग्रेस को जाएगी। नहीं तो मायावती तो कहती है बीजेपी को सांपनाथ, कांग्रेस को नागनाथ। अब नहीं कांग्रेस ने फिर भी हमारे लिए किया तो है थोड़ा बहुत। अच्छा ये एक बात बताना ईमानदारी से, ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसमें ये जो कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन ने जो कहा कि संविधान पे खतरा है, संविधान बदल जाएगा, संविधान में ये हो जाएगा, संविधान नहीं बचेगा, ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में घर कर गई थी? कर गई थी बिल्कुल कर गई थी। बीजेपी तो कहती है भरम फैला दिया हमने, नहीं, क्या नहीं, किया? नहीं, 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 लगता था सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किया इमरजेंसी इन्होंने, बीजेपी ऐसा कहती है, आप लोगों के दिमाग में ऐसी बात कैसे आई? लोग कहते हैं ये तो भरम था। नहीं भरम नहीं था, बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम संविधान में चेंजेस करेंगे, खुल के कहा था उन्होंने, वो वीडियो सबने देखी तो दिमाग में तो आएगी थी सबके में बात, ये पूरी तरह से घर कर गई थी बात हमारे समाज में, तो क्लियर ही कर गई थी ये बात कि भाई गलत करेंगे, हमें तो लगता भी नहीं था कि भाई बीजेपी आएगी।
लोकसभा में, फिर भी आ गई वो, अब कैसे आ गई पता नहीं। लेकिन एक बात आप बताओ, 400 पार तो नहीं हुए ना? 400 पार तो नहीं हुए ना? अरे 400 का हल्ला कर दिया तब 240 आया, दो आगे 400 पार नहीं हुए। सारे मीडिया चैनल अगर ओपिनियन पोल इलेक्शन के पहले 400 न दिखाते, ये तो देश ने 400 का दिमाग बना के वोट दिया तब ये हाल हुआ। अगर नहीं 400 की जगह, अगर मीडिया 400 ना कहे तो ये मीडिया 400 की भ्रांति ना फैलाए तो ये और भी कम आती। कितना आते कितना नहीं आते, लेकिन 400 सबने बता दिया था, ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में भी आ गया था, हमारे भी चैनल ने और हमने भी, हमने खुद ने कहा था कि बीजेपी को यूपी में ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आप लोगों के वोट ने धीरे से करवट 10% की बदल दी, मायावती को 10% छोड़ के भाग गए आप यूपी में दलित वोट। वही तो अभी मैं वही बात कह रहा हूँ, अभी भी तो अभी मायावती का कोई खड़ा है लेकिन उसको वोट नहीं जाएगी, जाएगी वो फायदा नहीं ना जी, गड्ढे में वोट डालने वाली बात है, और उसका बेनिफिट भी तो होता है फिर बीजेपी को। तो आपको बीजेपी से रार है? रार नहीं है, पक्ष कांग्रेस की तरफ है। कैंडिडेट का भी हिसाब होता, हालांकि हमारे तो दोनों ही गांव के हैं, कोई बाहर का तो है ही ना, तो हम तो अपने गांव को ही पचेंगे, बाहर को तो पचेंगे। जब सब तुम्हारे गांव में क्या, तो तिगांव में तो विधायक वही बनेगा जो तिगांव जिसको वोट देगा, ये तो विधानसभा में आप ही का दबदबा आप ही के गांव। देखो ऐसा मैं आपको बताऊं, मेन चीज जो सुनने की है, जो दिमाग की है, उन्होंने तो कोई देखता नहीं है। जो मेन चीज है ना देखने की और सुनने की, 2004 में बीजेपी वाले ने सबके गंडा से चला दिए, नार पर पेंशन काट दी। ये बहुत गहरी बात है बाबूजी। ओपीएस है जी, फिर अब मान लो हम नहीं कर रहे, बच्चे करेंगे हमारे ना किसी और के तो करेंगे। अब गरीब आदमी है, उसको दे दिया और उसका पैसा चला गया, वो पीछे क्या खाएगा? सेठ लोग वो तो फायदा उठा गए आकर, भाई उन्हें तो एक साथ मिल गया। वो जो पेंशन खत्म होती है, अभी मोदी सरकार ने एक नई पेंशन तो लाई है। कौन सी? वो UPS, उसमें और उसमें बहुत फर्क पड़ गया। जो रिटायर हुए हैं हैं जी 2004 के बाद में लगे हैं, जो जो भी कुछ है उन्हें तो नुकसान है। अब जो आगे जाकर रिटायर होंगे 2004 में के जो लगे